फ्रेंड्स, वेलकम इन माय किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं समोसे और मीठी और खट्टी चटनी, जिसके लिए हमें चाहिए अजवाइन, धनिया चाहिए हमें, सूखा धनिया चाहिए और नमक, मस्टर्ड ऑयल, कॉर्नफ्लावर, आटा चाहिए हाफ कटोरी और मैदा चाहिए हाफ कटोरी, ग्रीन चिली, कसूरी मेथी, इमली और पोटैटो चाहिए हमें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने समोसे का डो तैयार कर लेना है। हम आटा को अच्छी तरह से सान लेंगे। इसके बाद हमने मैदे को भी अच्छी तरह से सन्ने से सान लेना है। फिर नमक डालेंगे इसमें, अजवाइन डालेंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे। अब इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल देना है। फ्रेंड, मस्टर्ड ऑयल आपने अच्छी तरह से डालना है, ज़्यादा डालना है थोड़ा, ताकि डो जो है अच्छी तरह सॉफ्ट बन सके। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लो सभी चीज़ों को। फ्रेंड्स, अगर आपको ऑयल कम लगे तो आपने इसमें और डाल देना है। अब इसमें धीरे धीरे करके पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना, ताकि डो ज़्यादा सॉफ्ट या हार्ड ना बने। फ्रेंड्स, हमारा डो तैयार हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा ऑयल लगा के 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब हम पोटैटो को बॉईल कर लेते हैं। और 3 मिसल आने तक इसकी वेट करते हैं। दूसरी तरफ हम मीठी चटनी तैयार कर। फ्रेंड्स, मैंने इमली पहले से भिगो कर रखी हुई थी, इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अब इसको छननी की हेल्प से छान लेना है। अब एक कटोरी में हमने कॉर्नफ्लावर लेना है 3 चम्मच। और इसको ठंडे पानी में मिक्स करना है, क्योंकि अगर हम गर्म पानी यूज करेंगे तो ये पीसेस बन जाएंगे। अच्छी, अब हम मीठी चटनी तैयार करते हैं। इसके लिए हमने इमली का पानी फ्राई पैन में डाल देना है। इसके बाद हमने कॉर्नफ्लावर डालना है, जो हमने ठंडे पानी में मिक्स किया था।
ग्रीन चिली डालनी है, नमक डालेंगे इसमें और चीनी डालनी है, ये अपने टेस्ट के अनुसार डालना है नमक और चीनी और ग्रीन चिली। फिर इसके बाद हम डालेंगे फूड कलर, पहले थोड़ा सा डाल के देख लें, अगर कलर छोड़ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप और डाल सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने थोड़ा फ्रूट कलर और डाल दिया है ताकि ये अच्छी तरह से रेड कलर छोड़ दे, आप भी इसी तरह से डाल लेना अगर कम है तो। मीठी चटनी हमारी तैयार हो गई है, अब हम तीखी चटनी बनाते हैं। मैंने इमली का पानी बचा कर रख लिया था, अब इसमें हम डालते हैं ग्रीन चिली और थोड़ा सा नमक। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद हम पोटैटो चेक कर लेते हैं कि जी अच्छी तरह बॉईल हो गया है कि नहीं। फ्रेंड्स पोटैटो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं समोसे के लिए। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल कर इसका छिलका उतार लेते हैं। फ्रेंड्स पोटैटो को छोटे छोटे पीसेस में नहीं काटना, थोड़े बड़े पीसेस लेने हैं इसके। अब एक पैन में हम ऑयल डाल देते हैं, मस्टर्ड ऑयल। इसके बाद हम डालेंगे कोरिएंडर, ड्राई कोरिएंडर। फिर अजवाइन डालेंगे, थोड़ा सा नमक, रेड चिली और पोटैटो। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से सभी लग जाए। ये सारे पोटैटो अच्छी तरह से बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने तक वेट करेंगे। इसको आप फैन के नीचे भी रख सकते हो 5-10 मिनट के लिए। फ्रेंड्स हमारा डो बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम इसकी चपाती बनाएंगे। फ्रेंड हमारी चपाती ज़्यादा मोटी और पतली नहीं होनी चाहिए, मीडियम साइज में होनी चाहिए।
अब हम चपाती को नाइफ की हेल्प से सेंटर में से काट लेंगे और उसके दो पीसेस बना देंगे। अगर आपको लगे कि ये थोड़ी मोटी चपाती है तो आपने इसको फिर पतला कर लेना है बेलकर। अब अपनी हथेली की मदद से समोसा तैयार करना है। किनारे पर हमने पानी लगा लेना है ताकि ये अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ इसके किनारे चिपक जाएं। अब हमने कोन जैसा तैयार कर लेना है और उस पे पोटैटो जो है वो फिल कर देने हैं। आप अपनी फिंगर की हेल्प के साथ इसको फिल कर सकते हो। अब अपने पानी जो है अपनी फिंगर में लगाकर इसके किनारों को अच्छी तरह से मिलाना है ताकि हम जब फ्राई करें तो ये टूटे ना या खुले ना। फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि हमारा ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। हमारा ऑयल बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम ऑयल में धीरे धीरे से समोसे डालेंगे ताकि ऑयल की छींटे हम पर ना पड़े। फ्रेंड्स, ये हमारे समोसे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम एक एक करके इसको निकाल लेते हैं। टिश्यू पेपर में निकालना है आपने ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। फ्रेंड्स, समोसे बिल्कुल रेडी है। आप इसको खट्टी और मीठी चटनी के साथ खा सकते हो।